हेलो फ्रेंड्स, हेलो यंग चाम्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास इंग्लिश ग्रामर क्लास बाय ग्रामर ग्लिटर ओडिसी ऑफ ग्रेड 5 बाय ब्रेन रूट. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अमित पब्लिशिंग हाउस. आई एम योर ट्रेनर पूजा. विल टीच यू टुडे द फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर बुक, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेट्स स्टार्ट. रिट्रैक्ट. A sentence has two parts, subject and predicate. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज प्रेडिकेट. कैसे पता चलेगा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? बड़ा सिंपल है. सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट, जो बात हो रही है. प्रिया इज प्लेइंग इन द गार्डन. एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. प्रिया इज प्लेइंग इन द गार्डन. तो किसके बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स? प्रिया के बारे में बात हो रही है. और क्या बात हो रही है? प्लेइंग इन द गार्डन. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दो पार्ट्स दिख रहे हैं, पहला प्रिया और दूसरा प्लेइंग इन द गार्डन. तो हम इन दो पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है कि प्रिया के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है? प्लेइंग इन द गार्डन. तो प्रिया इज आर सब्जेक्ट एंड प्लेइंग इन द गार्डन इज प्रेडिकेट. लेट्स कम. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है. इट विल बी अ नाउन और इट विल बी अ प्रोनाउन, नो मैटर्स. द प्रेडिकेट रेफर्स टू व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट. और जो बात हम कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. टास्क. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन, दे आर गोइंग टू गोवा बाय रोड. किसके बारे में बात हो रही है? दे. सो आई विल सर्कल हेयर, दे आर गोइंग टू गोवा. उनके बारे में बात हो रही है कि वो गोवा जा रहे हैं रोड से. तो वो और क्या कर रहे हैं? आर गोइंग टू गोवा बाय रोड. एंड दिल्ली इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून. किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली के बारे में बात हो रही है. और क्या बात हो रही है? इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून. सो आई विल सर्कल दिस सिटी, दिल्ली फॉर यू. और क्या बात हो रही है? दिल्ली इज आवर सब्जेक्ट हियर. और क्या बात हो रही है? इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून. सो दिस इज आवर प्रेडिकेट पार्ट. द कैट स्प्लिट ऑल द मिल्क ऑन द फ्लोर. किसने किया? हु? द कैट. So the subject is the cat. And what the cat has did? Split all the milk on the floor. So like this friends, we have to circle the subject and underline the predicate part. Let's come to the next exercise, provocation. Fill in the blanks by adding the missing subject and predicate in the sentences. Whether the subject or the predicate part is missing. So we have to fill this part. My pet cat. My pet cat is subject. Now we have to fill the predicate part. Is under the table. Simple. Is under the table. Don't forget to put the full stop. My old neighbor. It's a subject part. Now the predicate is not able to carry the heavy things. Because the neighbor is old. That's why वो भारी चीजें नहीं उठा सकता है. My old neighbor is not able to carry heavy things. Full stop. Dash won the 100 meter race easily. He won the 100 meter race
easily. The famous singer had sung my song. Dash was driving too rashly. The man was driving too rashly. Rashly Dash were put behind bars. Who? Criminals were put behind the bars. So like this, we have to add subject and predicate. Underline the subjects in these exclamatory sentences. Now, we have to underline the subject part. What a brilliant answer she gave. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, बट यू आर रॉन्ग हेयर. यहाँ पे शी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर. यहाँ पे आंसर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आंसर. ओ हाउ हॉट द वेदर इज, हाउ हॉट द वेदर इज. कौन हॉट है यहाँ पे? यहाँ पे वेदर हॉट है, तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वेदर, क्योंकि हम यहाँ पे वेदर के बारे में बात कर रहे हैं. हाउ बिग टीथ यू हैव, हाउ बिग टीथ यू हैव. सो आवर सब्जेक्ट इज टीथ, क्योंकि हम टीथ के बारे में बात कर रहे हैं. वाओ व्हाट अ वंडरफुल गोल ही स्कोर्ड. वाओ व्हाट अ वंडरफुल गोल. तो किसके बारे में बात हो रही है? गोल के बारे में बात हो रही है, तो अंडरलाइन करेंगे गोल. मैच ईच सब्जेक्ट विद इट्स सुटेबल प्रीडिकेट टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस आर नेक्स्ट एक्सरसाइज. हमको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ प्रीडिकेट पार्ट है. हमको सब्जेक्ट को प्रीडिकेट से मैच करना है. Let's start. These flowers. क्या होते हैं flowers? Interesting? No. Full of grass? No. Are fighting? No. Are very beautiful? Yes, the flowers are very beautiful. So I will match this part with this predicate. Barking dogs. Barking dogs seldom bite. Yes. The story is very interesting. Story बहुत ज़्यादा interesting है. Subject को story के बारे में बात हो रही है और क्या है story? बहुत ज़्यादा interesting है. The early bird catches the worm. Match करेंगे. The ground was full of grass. The ground किससे भरा हुआ है? घास से भरा हुआ है. मैच करेंगे इसको. फायर बर्न्स ब्राइटली. कैसे जल रही है आग? ब्राइटली, चमकदार चल रही है. सम पीपल आर फाइटिंग. कुछ लोग लड़ रहे हैं. हर मदर इज, कैसी है उनकी मदर? वेरी ब्यूटिफुल. द वॉटर is very precious. कैसा है water? पानी बहुत ही मूल्यवान है, बहुत precious है. Jack and Jill, सबने ही सुना है. Jack and Jill went up the hill. Read the comprehension part of our book. The comprehension which is given to us is Birbal wit. So this is the comprehension. Okay, I will read this comprehension for you first. Then we will solve the solution. Like Birbal was one of the Navratans at the Mughal Emperor Akbar's court. He was known far and wide in the city of Agra for being as wise as an owl. Itna samajhdar tha. People who visit him in large numbers to get solution to their problem. लोग उसके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को पाने के लिए. बहुत ही ज़्यादा समझदार था बीरबल. वंस अ रिच मर्चेंट वेंट टू बीरबल एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन रॉब्ड बाय समवन. एक मर्चेंट आया बीरबल के पास और उसने उसको कहा कि किसी उसके एक नौकर ने उसके यहाँ चोरी कर ली है, उसको लूट लिया है.
and he suspected one of his servants has committed the theft. और उसको ये शक है उसे कि उसका एक नौकर जो है वो चोर है. He requested Birbal to help him catch the culprit. चोर को पकड़ने के लिए, गुनेगार को पकड़ने के लिए वो बीरबल के पास गया. उसने उनसे मदद मांगी. बीरबल agreed to help the merchant. बीरबल मान गया, ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा. The next day बीरबल went to the merchant house and called all the servants. नेक्स्ट डे बीरबल गया मर्चेंट के घर और उसने सारे ही नौकरों को बुलाया. He gave them a stick each and told them that they all the sticks were equally length. वो गया और उसने कहा कि ये सारे स्टिक लेंथ में एक बराबर है, एक बराबर लंबी है. पर he then added, these sticks are magical. ये जादुई छड़ी हैं. ये सब कैसी हैं? जादुई छड़ी हैं. The thief's stick will grow 2 inches longer at the night. जो चोर है उसकी जो स्टिक है वो 2 इंच बड़ी हो जाएगी नाइट में. ऐसा बीरबल ने कहा. So keep the sticks with you through the night and bring them back to me in the morning. इसे अपने पास रख लो और एक काम करना, कल सुबह वापस ले आना. The next morning Birbal visited the merchant again. He called all the servants and asked them to return the sticks. उसने फटाफट सबको बुलाया और कहा लाइए फटाफट छड़ी वापस कर दीजिए. All the sticks except one were of the same length. सारी छड़ी एक बराबर थी एक को छोड़कर. All the sticks, only one sticks was shorter by 2 inches. एक स्टिक थी जो 2 इंच छोटी थी और वो किसकी थी? वो उसी चोर की थी. Now only one stick was shorter by 2 inches. Birbal knew immediately who the thief was. उसे एकदम पता चल गया चोर कौन है. He pointed out the thief to the merchant and said, उसने बुलाया और क्या कहा? उसने कहा pointed out the merchant thief and said, he foolishly cut the stick. उसने अपने आप पागलपंती में आके अपनी स्टिक कट कर ली है. ये इतना मूर्ख है, इसने अपनी स्टिक कट कर ली है बाय 2 inches fearing that it will grow longer. उसको डर था कि ये बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसको कट कर दिया. एंड देन द अदर्स, ऑल द स्टिक्स आर नॉर्मल स्टिक्स. आई लाइड अबाउट देम बींग मैजिकल. और मैंने झूठ बोला था, ये कोई मैजिकल स्टिक्स नहीं है. The merchant thanked Birbal for his help and said, "What people say about you is true." जो भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं वो सत्य है, सच है. You are indeed one of the cleverest men on the land. हाँ, तुम इस धरती पे एक बहुत ज़्यादा चालाक, समझदार इंसान हो. चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. टास्क ए, चूज टास्क ए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. बीरबल वॉज फेमस फॉर बीइंग अ रिच मैन, अ काइंड मैन, अ वाइज मैन एंड एरोगेंट मैन. किस चीज के लिए फेमस था? अ वाइज मैन. वाइज मैन के लिए फेमस था. पीपल वेंट टू बीरबल. किस लिए जाते थे लोग बीरबल के पास? To borrow money from him, no. To ask him about Akbar, no. To learn magic from him, no. To get solution of their problems. उनकी problems का solution के लिए वो जो है बीरबल के पास जाते थे. So this is the right answer, friends. The merchant said that he had been robbed by someone. Yes, the first one is correct. He had been cheated, no. Threatened, no. So he had been robbed by someone. क्यों गया था merchant? कि उसको लग रहा था, कि उसको लग नहीं रहा था, ऐसा था कि उसको किसी ने लूटा है. बीरबल गेव अ स्टिक टू ईच ऑफ दी. किसको दी थी? मर्चेंट सन्स, मर्चेंट सर्वेंट्स, नेबर्स, मर्चेंट रिलेटिव्स. सो उन्होंने किसको दी थी? मर्चेंट
सर्वेंट्स को दी थी। बीरबल फाउंड दैट वन ऑफ द स्टिक वॉज, क्या हुआ था, क्या फाउंड करा उसने कि जो एक स्टिक थी वो कैसी थी, 2 inches shorter, कटी हुई थी 2 inch से, क्योंकि चोर को ये डर था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उस स्टिक को काट दिया। What did the merchant ask Birbal to do for him? The merchant asked Birbal to find the thief. To find the thief or culprit for him. So this is the correct answer. How did the thief give himself away? How did, कैसे उसने अपने आप ही अपना ऐलान कर दिया कि मैं ही चोर हूँ? कैसे उसने अपने आप रिवील कर दिया कि मैं ही चोर हूँ? क्या किया उसने, द सर्वेंट कट द स्टिक बाय 2 inches इन द फियर कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने अपने आप ही अपनी स्टिक काट ली। व्हाट हैपन व्हेन बीरबल मेट द सर्वेंट नेक्स्ट डे, तो क्या हुआ था जब बीरबल मिला उनसे, वन ऑफ द सर्वेंट कट द स्टिक बाय 2 inches एंड बीरबल केम टू नो अबाउट द थीव, उसको पता चल गया कि कौन थीव है। What did Birbal tell the merchant servant about the stick? The Birbal told the servants that these are the magical sticks. They will grow 2 inches if the thief will keep them. अगर चोर के पास वो रही तो वो क्या रहेंगी, 2 inches बढ़ जाएंगे। So, like this, आपको ये भी फिल करना है। Thanks for watching.